वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2021 के बारे में। स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि सर किस परीक्षा पैटर्न को फॉलो किया जाए, यानी कि अब की बार क्या हो रहा है कि एम्स, नीट और जिपमर जो तीनों एग्ज़ाम हैं उन सबको, उन तीनों के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उन सब का एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जा रहा है और वो है नीट। ठीक है, तो परीक्षा के लिए समय बहुत कम बचा है और जो एनटीए है उसने नीट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी तक रिलीज़ नहीं किया है। ठीक है, जिससे स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि किस परीक्षा पैटर्न को फॉलो किया जाए, क्या वो एम्स के पैटर्न को फॉलो करें या जिपमर के या फिर नीट के ही पैटर्न को फॉलो करें। तो इसके बारे में आज थोड़ी बहुत हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी तो नहीं आई है, तो ऑफिशियली तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आप सभी को सजेस्ट कर सकते हैं और सजेशन बिल्कुल लगभग जो है वो तय होगा। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। देखिए, अपने पास तीन अपॉर्चुनिटी थी पहले, कौन कौन से, एम्स, जिपमर और नीट। अब क्या है कि एम्स और जिपमर को तो लगभग कर दिया है समाप्त, आपका एकमात्र एंट्रेंस एग्जाम बचा है और वो बचा है नीट का। ठीक है, तो बात ये आती है कि पैटर्न किसका फॉलो किया जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या हुआ है कि एम्स और जिपमर तो ख़त्म ही कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इनके परीक्षा पैटर्न को फॉलो करके आप क्या कर लेंगे। ठीक है, जब एम्स और जिपमर को ख़त्म कर दिया और बोल दिया कि आपके जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे और जो जिपमर आपकी ओनली इंग्लिश में करवाई जाती थी वो भी अदर जो नीट में टोटल लैंग्वेजेस हैं उनमें करवाई जाती है, तो इन सब के परीक्षा पैटर्न को फॉलो करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। अब बची नीट की, तो अब इसका परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए, सिलेबस का ऑलरेडी विनीत जोशी जी ने अपना जो एक भास्कर में अपना इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बोला था कि सिलेबस में कोई भी ज़्यादा चेंजेस जो स्टूडेंट्स को देखने को नहीं मिलेंगे। और परीक्षा पैटर्न की बात की तो तीनों को अगर ऐड किया गया है तो परीक्षा पैटर्न थोड़ा जो है वो हार्ड होने वाला है, क्योंकि अब की बार कट ऑफ में भी थोड़ी गड़बड़ी मतलब इधर उधर होने वाली है, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत, तो इसके पैटर्न में भी थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। तो आप जब तक नीट का एक एग्जैक्ट नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, यानी कि अपने को एग्जैक्ट सिलेबस और एग्जैक्ट एग्ज़ाम पैटर्न का नहीं पता चल जाता, तब तक आप क्या कर सकते हैं कि सिलेक्टेड एक अपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े ना तो उनके सिलेक्टेड एक टॉपिक्स होते हैं जो कि कितना भी सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो अपने को पता है कि उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस जो है वो पूछे ही जाते हैं, तो तब तक आप उन टॉपिक्स को फॉलो कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं ताकि जब नया सिलेबस आए, नया एग्ज़ाम पैटर्न आए तो उसमें जो भी चेंजेस हो तो उन चेंजेस को आप बाद में पढ़ सके, और इनका जो आपके पहले रेडी है तो इनको एग्ज़ाम टाइम पर सिर्फ रिविज़न करने की ही ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो इस तरह के आप जो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी है उसको फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरी थिंकिंग। ठीक है, और आपका क्या मानना है, कोई एक्सपर्ट्स हैं जो हमारी वीडियोस को लगातार वॉच करते हैं तो वो स्टूडेंट्स को अगर सजेस्ट करना चाहे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एम्स और जिपमर के पैटर्न को तो फॉलो बिल्कुल ही ना करें, बचता है नीट, तो नीट ही एनटीए एग्ज़ाम करवा रहा है, नीट का करवा रहा है, तो आप नीट के एग्ज़ाम को फॉलो करें। रही टॉपिक्स की बात, तो कुछ ही दिनों में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो एग्जैक्ट टॉपिक्स और एग्जैक्ट एग्ज़ाम पैटर्न है उसका अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके जो अभी दिसंबर से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप अगर घर पे ही रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी गई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी या फिर चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, पेमेंट कैसे करनी है और लैंग्वेज चूज़ कैसे करनी है, इन सब से रिलेटेड डिटेल में चर्चा उस वीडियो में हमने की है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम नीट और अन्य ऑल इंडिया एग्जामिनेशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उनकी वीडियोज़ हमारे चैनल पर डालते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।